नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। बठिंडा के थाना सिविल लाइन की पुलिस ने दो अलग अलग मामलों में नशा तस्कर को किया काबू। 15 ग्राम हेरोइन और भारी मात्रा में नशीली गोलियां व शीशियां की बरामद। एससी कमीशन के चेयरमैन विजय सांपला ने लतीफपुरा का लिया जायजा। लतीफपुरा निवासियों और अधिकारियों को रिकॉर्ड के साथ बुलाया। मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान की बहन विधायक रमन अरोड़ा के घर पहुंची, पारिवारिक सदस्यों ने किया स्वागत। और अब हलचल विस्तार से। बठिंडा के थाना सिविल लाइन के एसएचओ ने एक प्रेस वार्ता कर बताया कि दो अलग अलग मामलों में नशा तस्करों को बठिंडा पुलिस ने काबू किया है। उन्होंने बताया कि पहले मामले में एक आरोपी को नशीली गोलियों और नशीली शीशियों के साथ काबू किया गया है, जिसकी पहचान जशनदीप सिंह निवासी फाजिलका के तौर पर हुई है। वहीं दूसरे मामले में 15 ग्राम हेरोइन के साथ एक आरोपी को काबू किया गया है, जिसकी पहचान रामपाल निवासी कच्चा धोबियाना बठिंडा रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है। बठिंडा से हलचल के लिए नरेश कुमार की रिपोर्ट। सफल हुए हैं इस रिगार्डिंग में दसना चाहूंगा, मिति 17/12/22 नूं एक असी रामपाल नाम का लड़का अरेस्ट किया, जिसे FIR नंबर 305 दर्ज हुई थी। असी 15 ग्राम हैरोइन उस तो रिकवर की, उस उदी कंटीन्यूएशन ची सानू इनफॉर्मेशन होर आनी डिवेलप हो गई, जिसे संबंध में असी 20 तरीक नूं एक मोनू नाम का लड़का अरेस्ट किया, एक जशनदीप। कुल असी इन्हों तो 30 शीशियां जिहड़ियां हैगियां NDPS एक्ट दे विच आउंदियां हैगियां उन्हां तो रिकवर कीतियां, ते कुल 30 पत्ते। सानूं इस तो यह भी इनफॉर्मेशन मिली कि इन्हां दी मोडस ऑपरेंडी की है, किवें नशा करदे आ। एक शीशी नाल एक पत्ता यह दिंदे आ, इहनूं सैट कहिंदे आ इन्हां दी भाषा च, सैट कह के वेचदे आ अगे। इह बहादुरगढ़ एरिए चों लैके आउंदे ते इत्थे अपने एरिए च डिलीवर करदे सी। असीं पुछताछ कर रहे हां जी, जिवें कि मोनू ते कोई परचा नहीं दर्ज हैगा। जिहड़ा जशनदीप असीं अरैसट कीता उस ते पहलां वी दो परचे दर्ज है, पहला चोरिया करता सी, हुण नशा वेचण दे काम च इनवॉल्व हो गया। बेसिकली वह लेबर का काम करते हैं जी, पर कुछ समय तो इस काम च इनवॉल्व हो गया, जिस जल्दी पैसे कमाउण दी नीयत नाल वह नशा वेचण। गत दिनों लतीफपुरा में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा लोगों के घरों को तोड़ा गया था, जिसके बाद पीड़ितों को मिलने के लिए कई राजनीतिक नेता पहुंच रहे हैं। इसी के तहत एससी कमीशन के चेयरमैन विजय सांपला ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया, जिसके बाद आला अधिकारियों को इस मामले की रिपोर्ट बनाकर कमीशन को भेजने का आदेश दिया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए विजय सांपला ने कहा कि उन्होंने मौके का जायजा करने पर पाया कि वहां पर कार्यवाही के दौरान बहुत सी कमियां पाई गई। उन्होंने बताया कि उन्होंने लतीफपुरा वासियों और आला अधिकारियों को रिकॉर्ड के साथ बुलाया है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। पिछले दिन लतीफपुरे के उत्ते की गई कार्रवाई तो बाद अज एससी कमीशन के चेयरमैन विजय सांपला पीड़ित परिवार दुख साझा करने पहुंचे, उन्होंने मुश्किल सुनने पहुंचे। इसी उत्ते गलबात करने लिए साडे मौजूद है विजय सांपले। सरदार साहब, अज एससी कमीशन के चेयरमैन के होने नाते अज लतीफपुरे के जोड़े लोग है जोड़े घर तो बेघर होए उन्होंने मिलकर की मुश्किल उन्होंने दसिया? देखो, उन्होंने चंगे भले वसते घर जोड़े से ढा ढेरी कर दते गए, और जबकि ऐसा काम के लिए कुछ न कुछ प्रतिक्रियावां नूं फॉलो करना पैंदा, कुछ नॉर्म्स हुंदे ने। अज तुसीं बकायदा एससी जिहड़े भाईचारे है जिहड़े एससी दे लोग उत्थे रहिंदे सी उहनां नाल मुलाकात करन लई पहुंचे सी, किन्ने क परिवार तुहानूं उत्थे मिले? सानूं 2-3 परिवार उत्थे मिले सी, जिन्हां ने खुल के सानूं सामणे अपनी गल भी दसी है, और उन्होंने अपना सर्टिफिकेट भी दिता भी सानूं इह ना कहदे, पर नाल नाल इह भी उत्थे गल आई कि जदों उत्थे डिप्टी कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर दी हाजरी च CP की हाजरी च ही लोगों ने कहा कि सानू पुलिस ने दबके मारे है एससी परिवारों नू कि जे तुसी सामने पेश होए तो तुहाडे खिलाफ़ कार्रवाई करांगे, तो उन्होंने डरा धमका के दौड़ दिता। और इस चीज़ नू मैं मुख रखते हुए मैं हुण उन्हां दी कंप्लेंटां ते नहीं इहनू सो मोटो च ही लै रहा, और यह भी कहा कि भी वह जिहड़े उन्हां नू किसी नू अगर कुछ हो गया तो उहदे लई असीं तुहाडी खिचाई करांगे। उस तो बाद तुसी पीड़ित परिवारों नू मिले, उस तो बाद सर्कट हाउस दे विच तुसी अधिकारियों नाल मीटिंग की, कि अधिकारियों नाल मीटिंग की पक्ष रखा गया तुहाडे अगे उन्हां दा? वो तो मैं तुम्हें दस ही दिता कि आए तो अधिकारी असी कमिश्नर म्यूनसिपल कारपोरेशन बुलाए सी,
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਏ ਸੀ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਆਏ ਸੀ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਹੈ ਸਨਮੀਤ ਕੌਰ, ਉਹ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਈ ਓ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਥੈਂਟਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਲਈ? 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਸੈਕਟਰੀ, ਸੀ ਪੀ ਪੁਲਿਸ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਔਰ ਡੀ ਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਸੈਕਟਰੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਉਹ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੜਾਇਆ, ਅਗਰ ਐਸਾ ਸਪਸ਼ਟ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਦਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਐਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੁਹਾਰ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਾਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਕਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਐਸੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੀ ਬਹਿਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰਲ ਖੇਤਰ ਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਹਾਂ ਪਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਦਸਯੋਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਬਹਿਨ ਕਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹੇ ਫੂਲੋਂ ਕਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਭੇਂਟ ਕੀਆ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਵਰਿਸ਼ਠ ਨੇਤਾ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ, ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਹਿਤ ਬੜੀ ਸੰਖਿਆ ਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਯਕਰਤਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੀਡੀਆ ਸੇ ਰੂਬਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਿਏ ਸੁਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। दशम पिता साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी के समूचे परिवार की महान शहादत साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी, साहिबजादा बाबा जुझार सिंह जी और गढ़ी श्री चमकौर साहिब जी के महान शहीदों की याद में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब चरणजीत सिंह चन्नी के मोरिंडा निवास से गुरुद्वारा श्री कतलगढ़ साहिब तक पैदल यात्रा पूरे परिवार के साथ की गई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब चरणजीत सिंह चन्नी के पारिवारिक सदस्यों के अलावा श्री चमकौर साहिब की समूह लीडरशिप, कार्यकर्ता और संगत ने भाग लिया। इस मौके पर चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि ये दिन शहादत के दिन है, इसलिए वे कोई भी राजनीतिक बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही वे अपनी आंखों का ऑपरेशन कराने वाले हैं, जिसके बाद ही वे प्रेस वार्ता कर पत्रकारों के सवालों का जवाब देंगे। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ 'ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਗਮਈ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਗਮਈ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲੇ ਗਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਨਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਐਕਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਚੰਨੀ ਜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਮਰਿੰਡੇ ਦੇ 9 ਕੌਂਸਲਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਬਿਨ ਸਾਂਪਲਾ ਕੋ ਧਮਕੀ ਭਰਾ ਫੋਨ ਆਨੇ ਕਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰੋਬਿਨ ਸਾਂਪਲਾ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਪਰ ਇਹ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹੇ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇਤੇ ਹੋਏ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾ ਮੌਕੇ ਕਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਆਡੀਓ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰੋਬਿਨ ਸਾਂਪਲਾ ਕੋ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹਾ ਹੈ ਔਰ ਗਾਲੀਆਂ ਨਿਕਾਲ ਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬਾਰ ਵਹ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਬ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਵਹੀਂ ਜਬ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਮੇਂ ਰੋਬਿਨ ਸਾਂਪਲਾ ਸੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਆ ਗਿਆ ਤੋ ਉਨ੍ਹੋਨੇ ਕਿਆ ਕਹਾ, ਆਪ ਖੁਦ ਸੁਨੇ ਉਨਕੀ ਜੁਬਾਨੀ। ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਰੋਬਿਨ ਸਾਂਪਲਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਿ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਬੋਲ ਵੀ ਬੋਲ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਭਰਾ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਵੀਰ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਰਾ ਤੂੰ? ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਿਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੈਂ ਰੋਬਿਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵੀਰ, ਰੋਬਿਨ ਬੋਲਦਾ ਵੀਰ, ਰੋਬਿਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਭਰਾ, ਰੋਬਿਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ, ਰੋਬਿਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਭਰਾ, ਸੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਦੱਸ ਵੀਰ ਕੰਮ ਦੱਸ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਭਰਾ? ਹਾਂਜੀ ਭਰਾ ਸੇਵਾ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ? ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੱਸ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਆ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਵਾਲਾ? ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀਰ? ਭਰਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਦੱਸ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਤੇਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਕਾਲ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੈ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਮਝ ਆਈ? ਮੇਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਹੋਰ ਕੱਟ ਹੁਣ। ਇਸਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੋਬਿਨ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸੁਣੋ ਉਸਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਟ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਫਿਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਐਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈਟ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਕਰੇਗੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੋ ਅਬਿਊਜ਼ ਵਰਡ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਜੇ ਗਾਲਾਂ ਵਾਲਾਂ ਉਹ ਸਭ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ, DCP ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ? ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਾਲ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੈਂਡ ਕਰਤਾ DCP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਲਰੇਡੀ ਜੀ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੌਣ ਬੋਲ ਲਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਰ ਬਾਰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ 15-20 ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ DCP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਤੋਂ ਆਤਾ ਵਜੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਗਲਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਹੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਟੇਪ ਛੱਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਆ, ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੀਗਾ। ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਬਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੂੰ ਬਚ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਚੂਗਾ ਨਹੀਂ।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर युवक सेवा क्लब की ओर से 14वां क्रिकेट टूर्नामेंट गांव नंगल करार खां में करवाया गया, जिसमें विधायक परगट सिंह ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत कर रिबन काटकर इस टूर्नामेंट की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों के साथ जान पहचान की और नौजवानों को खेलों के प्रति प्रेरित किया। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अजय पीवल, परमिंदर सिंह बराड़, महेंद्र पाल, तजिंदर सिंह, मनिंदरजीत सिंह, सोनू धर्मेंद्र, सुखदेव पाल, मुल्खराज जस्सल, निशी हीरा, बंटी हीरा, बलवीर कुमार के अलावा बड़ी संख्या में गांववासी व खेल प्रेमी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए जतिन राजपूत की रिपोर्ट। बी आर अम्बेडकर युवक सेवा क्लब वालों पिंड नंगल करार खां विच क्रिकेट टूर्नामेंट कराया जा रहा है 14वां। सारिया टीम नेड़े दी टीमां नूं बेनती है भी हम हुमा के पहुंचो। 23 तरीक नूं लास्ट डैन ते लोग देखने वाले भी पहुंचण नेड़े तेड़े दे साडे, जिहदे विच पहला इनाम 31,000 रुपए ते सैकंड प्राइज 21,000 रुपए दिता जाएगा। नमस्कार जी, मैं अजय प्रधान दीप नगर तो जी। डॉक्टर बी आर अंबेडकर क्रिकेट टूर्नामेंट नंगल पिंड च कराया जा रहा है। नौजवानों का बहुत अच्छा उपराला है, जिहड़ा नशे तो सब बच्चों दूर करने लिए एक क्रिकेट टूर्नामेंट कराया जा रहा है। मैं इन्हों अपनी दिल की गहराइयों तो क्रिकेट टूर्नामेंट की बधाई दिना। आने वाले समय से मैं सरकार तो एक आस करूँगा कि इदा के जिन्हें भी क्लब है उन्होंने वध तो वध अगे लियाया जाए। जय भीम, जय भारत। अमृतसर के अधीन आते गांव घन्नोपुर की रहने वाली महिला अमरजीत कौर ने इंसाफ की गुहार लगाते हुए निहंग सिंह जत्थेबंदियों के साथ मिलकर अमृतसर के एसएसपी को एक मांग पत्र दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए अमरजीत कौर ने कहा कि उसने थाना लोपोके में एक मामला दर्ज करवाया था, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने उक्त मामले में दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया। उसने बताया कि वह इस संबंध में डीएसपी को भी मिल चुकी है, लेकिन अभी तक उसे कोई इंसाफ नहीं मिला है। उसने बताया कि पर्चे में जो नाम दर्ज करवाए थे उनके नाम पर्चे में नहीं है। उसने बताया कि गांव के मोड़ पर उसकी लड़ाई हुई थी और उसके साथ मारपीट के बाद लूटपाट भी की गई थी और उसे अगवा कर ले गए थे और अब उसे जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं, पर पुलिस द्वारा आरोपियों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। वहीं जब इस संबंध में डीएसपी अटारी परवेश चोपड़ा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच की जा रही है, जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। लोपो की थाने FIR दर्ज करवाई ही है, ते बारे में डीपसी साहब नू भी मिली हाँ, SII नू भी मिली हाँ, सारे ने मेरी कितने सुनवाई नहीं हुई। जेडे आ बंदे मेरी FIR दे विच पाए, इन्होंने नजायज पा दिते है, कढ़े जाण ते मेरी FIR दी जिन्नियां धारा इन्होंने तोड़िया वो लगन। अगर नहीं लगदियां, मैनू इंसाफ नहीं मिलता है। वेखियो जिहड़े मैं बयान दिते उन्हां दे विच जिहड़े बंदे पाए आ बिल्कुल मैं सही पाए आ। मामला की है जी? ये पिंड मौड़ी लड़ाई हुई सी, उन्होंने साले भणवैये का पैसों का लैन देन चलता ही बहुत ही पुराना, तो उन्होंने लड़ाई में उन्होंने मैंने फोन करके सवेरे सद्या जिदन 17 तरीक 2022। मेरा इन्होंने मेरी रिश्तेदारी सी उ रिश्तेदारी होने के नाते जो मैं गई तो मटिए वाले ने आ के मेरे उत्ते हमला किया। उस दिन करन तो बाद इन्होंने मेरी कुट मार करके मेरी खोह की, खोह तो बाद मैंने मटिए चुक के लै गए। मटिए चुकन तो बाद उ जाके मैंने धमकियां दतिया इन्होंने कि तेरी जे तू कुछ भी कानून के सामने होवेगी, कुछ भी साढ़े तो कार्रवाई करेंगी तो अं तेरी कुड़ी चुक के लियावे और रेप भी करा। तो जे मैं इंसाफ नहीं मिलता मैनू तो असं मावं धियाँ जो कि जो मेरी कुड़ी चुक के खड़नगे वो कोई भी गल कर देने तो फिर मेरा जीन का कोई फायदा नहीं है। तो ये तो चंगा सू मर जाना सही आ। मुकदमा दर्ज सीगा, इहदे विच एक परिवार मटी दा जिन्हां दी लड़की दी शादी हुई ते गुरविंदर सिंह नाम दे व्यक्ति नाल, ते जिहड़े लेडी अमरजीत कौर है ते उन्हां वल्लों दोष लगाया गया उन्हां लड़की वल्लों कि इह उन्हां दे घर दे विच दखलअंदाजी करदे ने। सो इस संबंध विच मुकदमा दर्ज होया लड़ाई झगड़े दा, जिहदे विच इंस्पैक्टर हरपाल सिंह उन्होंने अपनी इनकुआरी करके भेजी जिहनूं असीं इनकुआरी करन तों बाद SSP साहब दे पुटअप कर दित्ती। तो वो तफ्तीश चल रही है, तफ्तीश आलमोस्ट वो मुकम्मल हो गई है, तो जी इनकुआरी चल रही थी भी मुकम्मल हो गई। वो जो दोषी है उन्होंने फट गए अं अंदर देर में मैं हिदायत कर दी SHO नूं, असी रेड कर रहे हैं जो भी कोई दोषी काबू आता है मुकदमा अरैसट पा के अंदर। सिख कौम के चौथे तख्त श्री दमदमा साहिब में संत बाबा तारा सिंह और संत बाबा चरण सिंह सरहाली साहिब वालों के सेवक जत्थेदार बाबा गुरमेज सिंह डोडी द्वारा समूचे तख्त साहिब और समूह ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब में रंग की कार सेवा आरंभ की गई।
इस सेवा को आरंभ करते समय शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य भाई मोहन सिंह विशेष तौर पर उपस्थित हुए, जबकि सेवा शुरू करने से पहले तख्त साहिब के हेड ग्रंथी भाई जगतार सिंह ने अरदास की, जिसके पश्चात रंग करने की सेवा शुरू की गई। इस मौके पर भाई मोहन सिंह ने बताया कि जत्थेदार बाबा गुरमेल सिंह डोटी की ओर से पिछले दिनों शिरोमणि कमेटी को एक पत्र लिखकर तख्त साहिब को रंग करने की सेवा सौंपने की सेवा की अपील की गई थी, जिस कारण गत दिनों शिरोमणि कमेटी की अंतरिंग कमेटी की मीटिंग में जत्थेदार बाबा गुरमेल सिंह डोटी को रंग की सेवा सौंप दी गई थी। इस मौके पर तख्त साहिब के मैनेजर भाई रंजीत सिंह ने जत्थेदार बाबा गुरमेल सिंह डोटी और उनके साथ आई संगत को सिरोपा देकर सम्मानित भी किया। पिछले कुछ दिनों तो संत बाबा तारा सिंह जी, संत बाबा चरण सिंह जी, उन्होंने बहुत ही सत्कारयोग सेवादार बाबा गुरमेल सिंह जी, इन्हों वालों समुची श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में एक पत्र लिख के मंग की गई सी तख्त श्री दमदमा साहब की जो रंग रोगन की सेवा लैन संबंधी। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अंतरिंग कमेटी मैंबर अंतरिंग कमेटी वालों मता पास करके बाबा जी जो रंग रोगन की तख्त साहब की समुचे गुरद्वारा साहबाना की जो तख्त साहब न रिलेटड सेवा सौंपी गई आ, सो अज आरंभता की गई आ। सच्चे पातशाह कृपा कर समुचे इस इलाके के सहयोग नाल बाबा जी के सारे श्रद्धालु नाल आए न, इन्हां दे सहयोग नाल और तख्त साहब के समुचे प्रबंध के सहयोग नाल ये जिहड़ी सेवा निर्विघन समाप्त करके अगे तो बाबा जी इत्थे दमदमा साहब दे विच पक्के डेरे ला के तख्त साहब की समुची सुंदरता नूं होर प्रफुल्लित करन। बहुत ही सत्कारयोग श्रीमान संत बाबा तारा सिंह जी सरियाली साहब वाले, उन्हां तों वरों साए होए संत बाबा चरण सिंह जी सरियाली साहब वाले, उन्हां दे सेवक बाबा गुरमेल सिंह जी ढोटी जो कि मुख सेवादार गुरद्वारा बाबा सुरजन साहब जी, गुरद्वारा बाबा सम्मन भूषण जी शबाजपुर विखे बहुत चढ़दी कला नाल कार सेवा करवा रहे ने। पिछले समय इन्हां ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तख्त श्री दमदमा साहब विखे पहुँच के श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं बेनती कीती सी कि सानू रंग रोगन की सेवा इत्थे बख्शिश की जाए। सो जिवें मेरे तो पहला एग्जैक्टिव मैंबर जथेदार मोहन सिंह जी बंगी उन्होंने दस्या है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों और इत्थों की समुची मैनेजमेंट वालों बाबा जी नूं रंग रोगन की सेवा दिती गई है। द स्मार्ट इंटरनेशनल स्कूल में ग्रीन डे समारोह का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ स्कूल के प्रबंधक सरदार बलबीर सिंह के द्वारा किया गया, तो वहीं कार्यक्रम के दौरान स्कूल के सभी बच्चे हरे रंग की ड्रेस में स्कूल पहुंचे। इस मौके पर ग्रीन डे की उपयोगिता और महत्व के बारे में बच्चों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इस दौरान स्कूल परिसर में बच्चों को कला और पेड़ पौधों से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी देकर बच्चों का मार्गदर्शन भी किया गया। वहीं इस अवसर पर स्कूल के समस्त बच्चे और समूह स्टाफ भी मौजूद रहा। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बाल व युवा गायकों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर गायक विजय कौड़ा ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद वीनू सहगल, शंकी सहगल, गोपाल पांडे, बिनी सावरिया, चंद्र कन्हैया, डोली, राजेश शर्मा और मीनाक्षी लता ने माँ भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, सचिव वीएम अरोड़ा, मंच संचालक बलदेव आनंद और रमन शर्मा, पवन मेहता, राजू शर्मा, रीटा शर्मा ने आई हुई भजन मंडलियों को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। तेरा जो भी हो गया तू रखे चरना दे नाल मां, मेरा किसे न पूछया हाल मां, मैनू ला चरना दे नाल मां।
और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। बठिंडा के थाना सिविल लाइन की पुलिस ने दो अलग अलग मामलों में नशा तस्कर को किया काबू। 15 ग्राम हेरोइन और भारी मात्रा में नशीली गोलियां व शीशियां की बरामद। एससी कमीशन के चेयरमैन विजय सांपला ने लतीफपुरा का लिया जायजा। लतीफपुरा निवासियों और अधिकारियों को रिकॉर्ड के साथ बुलाया। मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान की बहन विधायक रमन अरोड़ा के घर पहुंची, पारिवारिक सदस्यों ने किया स्वागत। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।